जॉब एनालिसिस जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ ए जॉब क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू ए जॉब फिजिकल एंड मेंटल यानी कि कौन सी क्वालिटी चाहिए फिजिकल क्वालिटी क्या चाहिए मेंटल क्वालिटी क्या चाहिए क्या है जॉब का नेचर किस टाइप के वहां पर टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा क्या क्वालिटीज चाहिए होंगे एंप्लॉज की क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए एंप्लॉयज को जॉब को परफॉर्म करने के लिए इसको पूरा एनालाइज करिए तब उसके बाद ही तो आप एग्जैक्टली exactly किस टाइप का टैलेंटेड एम्प्लॉज चाहिए किस स्किल का इंप्लायी चाहिए तभी तो आप आइडेंटिफाइल कर पाओगे जब आपको उस जॉब के बारे में पता होगा कि जॉब में एक्चुअली परफॉर्म करना क्या है अब आप जॉब परफॉर्म करना है मार्केटिंग का उसमें मार्केटिंग में भी सेल्स का जॉब परफॉर्म करना है और आपको ये चीज़ पता ही नहीं है आप कोई भी फाइनेंस का एम्प्लॉय ढूंढ के लेके चले चलेगे जिसकी कैपेबिलिटी जिसकी टैलेंट किस में है फाइनेंस में जो माहिर है कम्युनिकेशन में आप उसको उठा के लेके आ जाओगे अकाउंटिंग में तो वो नहीं बैठेगा तो आपको सबसे पहले राइट एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए जॉब को एनालाइज करना होगा कि जॉब जिस भी पोजीशन के लिए आपको टैलेंट एक्वायर करना है एक्विजिशन करना है उस पोजिशन के बारे में जानना होगा दैट इज जॉब एनालिसिस डील्स विद द एनाटोमी ऑफ द जॉब एनाटोमी द जॉब यानी कि जॉब के पूरे एक एक पॉइंट और एक एक पहलू से जॉब का नेचर टास्क परफॉर्मेंस ड्यूटीज सुपीरियर कौन होगा सबऑर्डिनेट कौन होगा साथ में कौन करेगा उस जॉब में आपके साथ कौन काम करेगा ये सारी चीजें क्या है उसमें हम जो है पढ़ते हैं तो द एम ऑफ जॉब एनालिसिस इज टू आंसर क्वेश्चन सर्चेस तो जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं तो कुछ क्वेश्चन के आंसर के लिए जैसे वॉट इज द पर्पज ऑफ द जॉब यानी उस जॉब का पर्पज क्या है जब पर्पज पता होगा तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप इंप्लाई को सर्च करेंगे उस टाइप के टैलेंटेड पर्सन को सर्च करेंगे व्हाट फिजिकल एंड मेंटल टास्क डज द जॉब होल्डर अंडरटेक यानी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप का फिजिकल और मेंटल जो है आ, क्या कहते हैं कि टास्क जो है परफॉर्म करना पड़ेगा एम्प्लॉय को वैन इज द जॉब टू बी परफॉर्म उस जॉब में कब परफॉर्मेंस करनी यानी कि दिन में काम करना है रात में काम करना है शाम को काम करना है किस टाइप का है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे शाम को होता है कहीं पे रात में होता है कहीं पे दिन में काम होता है तो कब वो जॉब परफॉर्म करना है वेयर इज़ द जॉब टू बी परफॉर्म और जॉब कहाँ परफॉर्म होगा ऑफिस के अंदर होगा मार्केट में होगा पहाड़ों में होगा या फिर कहीं और होगा कहाँ पर जॉब परफॉर्म किया जाएगा घर बैठ के भी जॉब परफॉर्म किया जा सकता है वॉट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर द जॉब टू बी परफॉर्म किस टाइप का कंडीशन चाहिए यानी कि आपको ए वाला रूम चाहिए या फिर ओपन एयर चाहिए किस टाइप की कंडीशन चाहिए वो भी आपको जो यहाँ पे बतानी होगी तो ये जॉब एनालिसिस में ही सारी चीज़ें हम जो आइडेंटिफाई करते हैं अब बात करें कि जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है ऑब्जेक्टिव है उसको आप एनालाइज करिए देन सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजिशन उस पोजिशन को सेलेक्ट करिए कि जो भी जिस पोजिशन के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए डेटा कलेक्ट करिए डेटा कलेक्ट करेंगे यानी कि उस जॉब के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे जॉब में क्या टास्क है क्या ड्यूटीज है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या फिजिकल क्या मेंटली सारी चीज आपको जो है डेटा कलेक्ट करना होगा कले, डिट, कलेक्टेड कलेक्टेड डेटा को फिर आपको क्या करना है रिव्यू रिव्यू करना है दी, है दी कलेक्टेड डेटा ऑप्शन देन नंबर फाइव स्टेप डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए भाई जॉब एनालिसिस करें तो उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना है डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको आपने डेटा कलेक्ट को रिव्यू किया रिव्यू करने के बाद आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया और जॉब जो है स्पेसिफिकेशन बना लिया यानी कि उस जॉब के लिए क्या क्या डिस्क्राइब किया जॉब को डिस्क्राइब किया कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए एम्प्लॉय के अंदर वो आपने डेवलप कर लिया तो यही जॉब एनालिसिस हो गया ये प्रोसेस जॉब एनालिसिस का जॉब स्पेसिफिकेशन तक ही जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है तो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोजिशन खाली हैं उस पोजिशन को किसी एक पोजिशन को आपने सेलेक्ट किया रिप्रेजेंटेटिव पोजिशन को सिलेक्ट किया उसके ऊपर जो है डेटा कलेक्ट किया डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने डेटा को रिव्यू किया रिव्यू करने के बाद आपने क्या स्पेसिफिक है क्या डिस्क्रिप्शन है उस जॉब का आपने उसको डेवलप कर लिया है अब अगला काम क्या हो जाता है फिर अट्रैक्टिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द स्किल्ड एम्प्लॉय तो अब अगला जो टॉपिक है दैट इज टेक्निक ऑफ जॉब जॉब एनालिसिस आप एनालिसिस आप करेंगे कैसे तो आपने देखा ना कि डेटा कलेक्ट करना तो आग, है तो डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन ये है तो डेटा कलेक्ट कलेक्ट कैसे कर सकते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आप जो है जो भी यहाँ पे जॉब एनालिसिस कर रहा होता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वो उस पोस्ट को देखेगा उसको ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या एम्प्लॉय कर रहा है क्या क्या उसको करना पड़ता है कब कर करता है कैसे करता है सारी चीजें उसको ऑब्जर्व करेगा उसके बाद डेटा कलेक्ट कर लेता है या फिर सेंडिंग आउट क्वेश्चन क्या हुआ हमने क्वेश्चन भेज दिया क्वेश्चन को फिल करिए कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है अपने क्वेश्चन से जो है डेटा कलेक्ट कर लिया मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड यानी कि आपने लॉग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है वो आप उसके हिसाब से जो है डेटा कलेक्ट कर लीजिए कि कब कहां कैसे क्या क्या काम हुआ है रिकॉर्ड से आप जो है डेटा उठा सकते हैं वहीं पर कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू आप जो है इंटरव्यू भी ले सकते हैं या तो क्वेश्चन के थ्रू या तो आप जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू के लिए या फिर आप जो है इंटरव्यू थ्रू कर ले रहे हैं इंटरव्यू आपने ले लिया पूछा कि क्या करना पड़ता है कब करना पड़ता है कितना प्रेशर लेना पड़ता है क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपने इंटरव्यू लेके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो ये जॉब एनालिसिस का टेक्निक है अब बात कर लें कि जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन पहले बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करना यानी कि जॉब में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे वो चीज डिस्क्राइब करना वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि जो जॉब डिस्क्राइब किया है आपने उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज क्या क्या एक्सपीरियंस क्या क्या एक्सपर्टीज नॉलेज होनी चाहिए इंप्लॉय के अंदर दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स ऑल अबाउट द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म यानी किसी जॉब में क्या टास्क है, क्या रिस्पॉन्सिबिल परफॉर्म करने हैं उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है टेल्स द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स दैट ए कैंडिडेट मस्ट हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब यानी किसी जॉब के लिए सिलेक्ट होने के लिए क्या एक्सपर्टीज क्या एक्सपीरियंस क्या स्किल्स होने चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर वो जॉब स्पेसिफिकेशन शो करता है जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स योर वॉट यू मस्ट डू वैन सेलेक्टेड तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो उसको क्या करना होगा जॉब में वो बताता है जॉब डिस्क्रिप्शन वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन

It helps candidate analyze whether is आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वैकेंसी और नॉट यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन जब पता होगा कि हमें इस टाइप के जॉब के लिए एम बी ए चाहिए या फिर बी टेक चाहिए जब हमें पता होगा तभी तो हम एडवर्टाइज़ करेंगे कि हमें एम बी ए चाहिए या फिर हमें बी टेक चाहिए जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्या एक्सपर्टीज़ या क्या स्किल्स होनी चाहिए तो हम क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे कोई भी अप्लाई कर सकता है तो इसलिए क्या परफॉर्म करना है वो भी आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप एडवर्टाइज़ कर सकोगे कि हमें ये इंप्लाई चाहिए ये टास्क परफॉर्म करने के लिए और जॉब स्पेसिफिकेशन जब आपको पता होगा कि इस टाइप के जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये एक्सपर्टीज या स्किल्स होनी चाहिए तभी तो आप बताओगे कि हमें यही एम ही कैंडिडेट चाहिए या फिर हमें सिर्फ जो है बी चाहिए या फिर हमें एम बी ए विथ ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए तो आप देखते होंगे जो भी एडवर्टीजमेंट आते हैं तो लिखा होता है कि एम प्लस टू ईयर एक्सपीरियंस एम प्लस फाइनेंस एम इन मार्केटिंग एम इन स्पेशलाइजेशन तो हमें पता होता है कि ये कब पता होता है जब हमें पता होगा कि हमारी जॉब क्या है जब हमें पता होगा कि हमारी जॉब में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं उसके हिसाब से तो हम स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट में यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए और रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन अब है नेक्स्ट टॉपिक कि क्या क्या चीजें होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में तो आप यहां पे देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब टाइटल यानी कि पोजिशन का नाम क्या है लोकेशन क्या है जॉब समरी रिपोर्टिंग टू यानी कि किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आप अगर आप सपोज करिए कि आप किसी भी लग गए तो आपका सुपीरियर कौन होगा सबॉर्डिनेट कौन होगा और कलीग्स कौन होंगे रिपोर्टिंग टू वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी जॉब ड्यूटीज क्या क्या होंगी कौन सी मशीन से जो कि आपको यूज करना पड़ेगा यानी कि आपको लैपटॉप मिलेगा या फिर कोई मशीन मिलेगा हजार्स कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आपको ध्यान में रखना किन किन चीजों से नुकसान पहुंच सकता है वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि क्वालिफिकेशन क्या है एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगी 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 ट्रेनिंग चाहिए हो हो चाहिए कि नहीं स्किल्स कौन 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 सी सी होनी लेनी इमोशनल उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए क्या चाहिए सेंसरी डिमांड्स होनी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए तो यही क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन इस और इसी इस इस को क्या कहते हैं एनालाइज करने को जॉब एनालिसिस कहा जाता है तो ये टैलेंट को एक्वायर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जॉब को एनालाइज करिए फिर उसको डिस्क्राइब करिए उसको स्पेसिफिकेशन बताइए उसके

ड्यूटीज एंड जॉब डिजाइन का मतलब क्या हो गया कि आप वहां पे डिजाइन करते हो कि क्या कंटेंट होगा किसी भी जॉब में क्या ड्यूटीज होंगी उस जॉब को परफॉर्म करने की रिस्पॉसिबिलिटीज होंगी आप उसको डिसाइड करते हो साथ ही साथ डिसाइडिंग ऑन द मेथड टू बी यूज इन कैरिंग आउट द जॉब यानी कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या मेथड होगा किस मेथड से आप जो जॉब जो को परफॉर्म कर सकते हो उसको भी आप डिसाइड करते हो इन टर्म्स ऑफ टेक्निक कौन सी टेक्निक यूज करोगे सिस्टम एंड प्रोसीजर कौन से सिस्टम है क्या प्रोसीजर होगा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एंड रिलेशनशिप दैट शुड एग्जिस्ट बिटवीन द जॉब होल्डर एंड हिज सुपीरियर सबॉर्डनेट एंड कोलिग्स यानी कि और उस जॉब पे सबॉर्डिनेट्स के साथ क्या रिलेशन होगा सुपीरियर के साथ क्या रिलेशन होगा और कलीग्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा इन सभी को आप क्या करते हो डिजाइन करते हो रिलेट करते हो डेवलप करते हो आप डिसाइड करते हो कि क्या ड्यूटीज होंगी क्या होंगी क्या क्या मेथड होगा प्रोसीजर होगा क्या टेक्निक होगा क्या टूल्स चाहिए चाहिए होंगे क्या स्किल्स होंगे आपके सुपीरियर के साथ क्या रिलेशन होंगे कलीग्स के साथ क्या रिलेशन होंगे सारी चीजों को आप क्या करते हो डेवलप करते हो डिसाइड करते हो दैट इज जॉब डिजाइन ठीक है सर्च करना तो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया लेकिन जब आप इस चीज को फिक्स करते हो डिसाइड करते हो कि ये चीजें करनी है तो दैट इज जॉब डिजाइन तो जॉब डिजाइन में कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जॉब डिजाइन के और जैसे जॉब रोटेशन यानी कि उस जॉब में रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यानी कि आप अकेले ही क्या कहते हैं कि अकेले वही कंटिन्यूअस आप तीन चार साल से काम किए जा रहे हो नहीं जॉब रोटेशन यानी कि आप उस जॉब को एक साल किए उसके बाद दूसरे साल आपने कोई जॉब और दूसरा मिल गया तो जॉब रोटेशन से क्या होता है कि इंटरेस्ट बना रहता है जॉब इन्लार्जमेंट यानी कि जॉब को आप क्या कर रहे हो इन्लार्ज कर रहे हो ठीक है यानी कि आपको और बढ़ा दे रहे हो आप नए नए टास्क वहां पे ऐड कर रहे हो जॉब एनरिचमेंट यानी कि जो काम कर रहे हो उसी में और कुछ नया एडिशन किया जा रहा है तो जॉब एनरिचमेंट वहीं पे जॉब सिंप्लीफिकेशन यानी कि जॉब में आप जो है सिंप्लीफाई करो यानी कि एक्जैक्टली पता है कि उस जॉब में क्या करना है मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिंपलिसिटी है कि हाँ हमें एग्जैक्टली पता है कि ये काम है और ये मेरा काम है और इसको मुझे परफॉर्म करना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए जॉब रोडेशन होना चाहिए जॉब इन्ार्जमेंट भी होना चाहिए जॉब एनरिचमेंट भी होना चाहिए और जॉब सिम्पलीफिकेशन भी होना चाहिए कि ईजी होना चाहिए समझने में कि क्या जॉब है क्या टास्क है क्या रिट्यूजन क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका जॉब इवाल्यूएशन देखिए जॉब इवाल्यूशन का मेन मोटिव होता है कि कौन सा जॉब कितना वैल्यूएबल है कौन सा जॉब किस जॉब पे कितनी सैलरी दी जानी चाहिए कितना कंपनसेशन जाना, दिया जाना चाहिए उसको इवॉल्यूएट करने में जो है ये जॉब हेल्प करता है तो जॉब क्या हो गया सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू और वर्थ ऑफ ए जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जॉब की क्या वैल्यू है क्या वर्थ है इन कंपेरिजन टू अदर जॉब्स उसको डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है जॉब इवाल्यूशन कहलाता है एनालिटिकल जॉब इवाल्यूश इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स तो हम जॉब में क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम फैक्टर जॉब भी कहते हैं जैसे कि स्किल मेंटल एजुकेशन रिक्वायरमेंट फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशन यानी किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए क्या मेंटल होनी चाहिए क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वर्किंग कंडीशन क्या हो चाहिए, चाहिए जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जहां पे वर्किंग कंडीशन की बात करें तो कहीं पर ऑफिस में जॉब करना है या फिर आपको बाहर मार्केट में जॉब करना है या फिर हमेशा ट्रेवल वाली जॉब है फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि परफेक्टली आपको बॉडी फिट होना है या फिर आई uh, साइड अगर वीक है तो क्या उसको अप्लाई कर सकते कि नहीं अप्लाई कर सकते तो अलग अलग जॉब के लिए अलग टाइप के जो है रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसके बेसिक

पॉइंट देते हैं अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग लेवल या डिग्री निकाल लेते हैं और उसको हम पॉइंट देते हैं और फिर पॉइंट को सम करके जिसका जितना ज़्यादा सम होगा उसकी उतनी ज़्यादा रैंक होगी नॉन एनालिटिकल में दो हैं रैंकिंग मेथड है और जॉब ग्रेडिंग मेथड है तो रैंकिंग मेथड में हम रैंक देते हैं डिफिकल्टी या सिंप्लिसिटी के बेसिस पे और जॉब ग्रेडिंग मेथड में अलग अलग टाइप के जॉब को एक ग्रेड के अंदर लेके ग्रुपिंग करते हैं ग्रुपिंग ऑफ जॉब करते हैं सिमिलर टाइप के या सेम नेचर के तो उसको कहते हैं जॉब ग्रेडिंग मेथड तो जॉब एवोल्यूशन में पहला है नॉन एनालिटिकल मेथड जहां पर रैंकिंग सिस्टम तो रैंकिंग सिस्टम जैसे हमने बताया कि यहां पे जॉब विद इन दर्गनाइेशन आर अरेंज इन सम ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट डिफिकल्ट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिंपलेस्ट यानी लेस्ट इंपॉर्टेंट और इन रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टा भी आप कर सकते हो इट रैंक रैंक पे क्या होता है हम करते हैं यानी कि ज्यादा डिफिकल्ट है तो रैंक वन कम डिफिकल्ट है तो रैंक टू एक आसान है सिंपली सिंपल है तो रैंक थ्री तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग रैंक जो है उसकी डिफिकल्टी उसकी सिंप्लिसिटी के बेसिस पे दे सकते हैं तो इसको हम इस मेथड को क्या कहते हैं जॉब की कौन सा मेथड हो गया रैंक सिस्टम हो गया जैसे आर्मी में आप देखते हैं रैंक होता है हायर रैंक लोअर रैंक अलग अलग पोस्ट होते हैं सीओ सिपाही इस तरीके के वहाँ पे पोस्ट होते हैं इसी तरीके से दूसरा मेथड है नॉन एलेक्टर में दैट इज जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि एक टाइप के जॉब को आप एक ग्रेड में रख देते हैं आपने देखो होगा डी ग्रेड की जॉब आई है सी ग्रेड की पोस्ट आई है वैकेंसीज आई हैं आप गवर्नमेंट जॉब में अक्सर देखते होंगे तो ये ग्रेडिंग सिस्टम कहलाता है यहाँ पर क्या होता है ए नंबर ऑफ़ प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स आर क्लासिफिकेशन आर फर्स्ट स्टेबलिश यानी कि पहले से हम देखा डिसाइड कर लेते थे कि ए बी सी डी इस कैटेगरी में हम ग्रेड में जो है जॉब को क्लासीिफाई करेंगे ठीक है उसके बाद वेरियस जॉब जो डिफरेंट जॉब्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको हम उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको हम असाइन कर देते हैं ठीक है तो जैसे आफ्टर फॉर्मेटिंग एंड स्टडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब्स आर ग्रुप्ड व्हिच रिप्रेजेंट डिफरेंट पे लेवल रेंजिंग फ्रॉम लो टू हाई तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन जब हम कर लेते हैं उसके बाद ही हम जॉब को ग्रुपिंग करते हैं कि ये ए वाले ग्रुप में आएगा या बी ग्रेड में आएगा सी ग्रेड की जॉब में आएगा जैसे टाइपिंग वाली जॉब हो गई तो डी ग्रेड में आ गया कोई भी जॉब होगा टाइपिंग काम है तो डी ग्रेड में हो गया तो इस तरीके से जो है आप उसको अलग अलग ग्रेड में क्लासीफाई कर लेते हो और यह

पे आप अलग अलग गवर्नमेंट में देखते होंगे ए बी सी डी ग्रेड टाइप के जॉब वहाँ पे क्लासिफाई कर दिए जाते हैं तो इस तरीके से आप जॉब एवालन कर सकते हो जॉब एवलेशन है कि यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है कि कौन सा जॉब कितना वर्दी है कितना कंपनसेशन उसका होना चाहिए तो जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतनी अच्छी सैलरी होगी जितनी कम रैंक होगी उतनी सैलरी कम होगी या फिर जितना ग्रेड अच्छा होगा उतनी सैलरी ज़्यादा होगी लोअर ग्रेड का होगा तो लोअर सैलरी होगी ग्रेड ए की जॉब आई है ग्रेड बी की जॉब आई है ग्रेड सी की जॉब आई है कहते हैं गवर्नमेंट में तो अच्छी ग्रेड अच्छा सैलरी लोअर ग्रेड लोअर सैलरी इसी तरीके से नॉन एनाटिकल जो है ये टेक्निक आपने देख लिया जॉब एलोशियड इसी तरीके से एनालिटिकल टेक्निक होता है एनालिटिकल के बेसिस पे बात करें तो फैक्टर कॉम्पेरिजन मेथड यहां पे क्या होता है कि किस जॉब में कौन से फैक्टर्स हैं उसकी क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे हम जॉब को क्लासिफाई करते हैं तो थॉमस ई हिटन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था रैंक अकॉर्डिंग टू ए सीरीज ऑफ फैक्टर्स यहां पे क्या है कुछ फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पे जॉब को रैंकिंग दी जाती है तो फैक्टर्स कौन से हैं वो स्किल मेंटल एफर्ट फिजिकल एफर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन इन पांच के बेसिस पर ये पांच फैक्टर होते हैं किसी भी जॉब में जो इंपॉर्टेंट होते हैं इन्हीं के बेसिस पे जॉब को रैंकिंग दी जाती है तो ये फैक्टर कॉम्पैरिजन मेथड का नेक्स्ट है पॉइंट रैंकिंग और स्कोर मेथड तो पॉइंट रैंकिंग और स्कोर मेथड में क्या होता ये है ये एक्सटेंशन है फैक्टर मेथड का यानी कि जो फैक्टर्स हैं स्किल मेंटल एफर्ट फिजिकल एफर्ट रिस्पिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन इनको क्या है? इनको फर्दर जो है अलग अलग लेवल या डिग्री में डिवाइड किया जाता है और हर लेवल या हर डिग्री को पॉइंट दिया जाता है ईच फैक्टर इज देन डिवाइडेड इन लेवल और डिग्रीज विच आर देन असाइंड पॉइंट हर फैक्टर में कुछ ना कुछ लेवल होंगे डिग्री होंगे उसको पॉइंट्स मिलेगा और इन पॉइंट्स के जो सम होता है वही क्या कहलाता है स्कोर जो होता है वही उसी की बेसिस पे रैंकिंग कर दी जाती है द पॉइंट्स फॉर ईच फैक्टर आर सम टू में टोटल पॉइंट स्कोर फॉर द जॉब तो सारे फैक्टर्स के जो पॉइंट्स मिलते हैं उनका सम कर दिया जाता है और वही उसी के बेसिस पे रैंकिंग कर दी जाती है तो ये मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन है आपका क्या हो गया रैंकिंग सिस्टम हो गया जॉब क्लासिफिकेशन क्लासीफिकेशन ग्रेडिंग सिस्टम हो गया या फिर दूसरा तरीका है एनालिटिकल मेथड जहां पर आप फैक्टर कॉम्पेरिजन मेथड के बेसिस पे, पे जॉब को क्लासीफाई कर सकते हैं जॉब इवेलुएट कर सकते हैं या फिर पॉइंट रैंकिंग है स्कोर मेथड के बेसिस पे जॉब इवेलुएट कर सकते हैं कि कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है कौन सा जॉब कम इंपॉर्टेंट है कौन सा जॉब हायर रैंक है कौन सा जॉब लोअर रैंक का है अब बात कर लें कि इनपुट टू जॉब है कि जॉब रिवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं तो सबसे पहले नो हाउ यानी टेक्निकल मैनेजल या ह्यूमन रिलन की नॉलेज कितना ज़रूरी है किस भी जॉब में ये इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग किस जॉब में कौन सी कैटेगरी की जॉब में या रैंकिंग में कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वहाँ पर करनी है अकाउंटेबिलिटी कितनी है किसकी है कहाँ पे होगी एजुकेशन कौन सी जॉब के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी एक्सपीरियंस कौन सी जॉब के लिए चाहिए होगा किस जॉब के लिए कम चाहिए किस जॉब के लिए नहीं चाहिए फ्रेशर भी चल जाएगा स्कोप ऑफ द जॉब जॉब में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पर सुपरविजन रिसीव यानी कि कौन सी जॉब में सुपरविजन चाहिए होगा कौन सी जॉब में सुपरविजन नहीं चाहिए होगा आप खुद सुपरवाइज़ करेंगे अथॉरिटी एक्सरसाइज कौन से जॉब में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ मिलेंगी तो इन सब के बेसिस पर जो है जॉब रिवॉल्यूशन किया जाता है वर्किंग कंडीशन कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जॉब को परफॉर्म करना होगा कौन सी जॉब है जो कि ऑफिस में बैठ के होगी कौन सी जॉब है जो ए में बैठ के होगी कौन सी जॉब है जो कि मार्केट में जाना पड़ेगा कौन सी ट्रेवलिंग जॉब है तो उसके बेसिस से भी जॉब होता तो, तो जॉब रेवल्यूशन इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही किया जाता है कि कौन सी के टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए मैनेजर नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन रिलेशन नॉलेज होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी है कि नहीं होनी है अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी एजुकेशन कितना होगा एक्सपीरियंस क्या होगा स्कोप ऑफ द जॉब क्या है सुपरविजन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा अथॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी मिलेगी तो कौन कौन सी मिलेगी औरकिंग कंडीशनस क्या होंगी इन सबके बेसिस पे जॉब एवाल्यूएशन किया जाता है